और आज एक बहुत ही सारे सिटी स्पाइडी के दर्शक जो अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, उन सबको मेरा फिर एक बार नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। उनका नाम है मनोज कुमार मिश्रा जी और वो यमुना जीए अभियान के समन्वयक है, कन्वीनर है, खुद एक फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं और पर्यावरण से मतलब उनकी जिंदगी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी पर्यावरण के रखरखाव रक्षा में आधिकारिक तौर पे गई है और अभी वो एक जिम्मेदारी के तौर पे यमुना जी को बचाने का अभियान छेड़े हुए हैं। मैं उनके पास पहला सवाल लेकर आने के पहले एक एक अपनी बेसिक बात कहना चाहूंगा कि शहर जो होते हैं या तहजीबें जो होती है वो अक्सर नदियों से जुड़ी हुई होती है। अगर हम नाम लंदन का ले तो हमारे जहन में आती है थेम्स नदी, अगर हम नाम मुंबई का ले तो जहन में आता है मीठी नदी, पुणे का नाम ले तो मुळा और मुठा, इन दो नदियों के तट पे बसा हुआ ये शहर है। बंगलोर का नाम ले तो कावेरी नदी याद आती है, आगरा का नाम ले तो भी जमुना याद आती है, और दिल्ली जो है मतलब कई बार कई सारे ऑटो वालों ने ना कहा क्योंकि कहते हैं साहब बहुत लेट हुआ है, जमुना पार जाना है। मतलब दिल्ली की भाषा का एक अभिन्न अंग जो नदी बन गई है उसकी स्थिति क्या है, और दिल्ली के पर्यावरण में जैसे मैंने कहा कि तहजीब में तो नदी का हिस्सा है ही, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण में यमुना जी का क्या किरदार है और यमुना जीए अभियान क्या है, इसके बारे में मैं मनोज जी से पूछ के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। जी मिश्रा सर, थैंक यू वेरी मच केतन जी, आपने यहाँ मुझे बुलाया और जमुना जी और हमारे कार्य के बारे में आपने जानने की कुछ आप उत्सुक हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक दिल्ली और यमुना और उनके संबंध की बात है, तो दिल्ली यमुना को तो दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली शहर जिस जगह बसा है वो सिर्फ इसलिए बसा है उस जगह क्योंकि वहां यमुना बहती। ऐसा नहीं है कि यमुना बाद में आई और दिल्ली पहले आई, तो यमुना एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सिटी। पर जो आज की स्थिति है वो तो हम सब जानते ही हैं कि दिल्ली के कारण यमुना की स्थिति एक तरह से भयावह हो गई है। और आपने जैसे पूछा कि दिल्ली के पर्यावरण में यमुना का क्या रोल है, देखिए अगर आप जैसे आजकल बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है, आप अपने घर में टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर ले लीजिए और आप जमुना जी के किनारे जाए और वहां का टेम्परेचर लीजिए, आप पाएंगे कि करीब 2 से 3 डिग्री का अंतर। यमुना का जो ये करीब 52 किलोमीटर लंबा और करीब 3 किलोमीटर चौड़ा एक ये जो रिबन है जो दिल्ली के मध्य से गुजरता है, ये दिल्ली के वातावरण को मॉडरेट करता है, उसको मॉड्यूलेट करता है। और इस बात को बहुत कम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं क्योंकि जमुना जी की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग ज्यादातर उसके पास जाते ही नहीं, क्योंकि हम जाते नहीं है तो इसलिए इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि दिल्ली का जो एम्बियंट टेम्परेचर है दोनों गर्मी के समय में सर्दी के समय में, उसको बहुत हद तक यमुना का ये जो एक इतना बड़ा 9,700 हेक्टेयर का जो ये एक रिबन है वो इसको मॉडरेट करता है। एक तो ये बहुत बड़ा रोल है और नदियों का अपना वहां के एयर को प्योरीफाई करने का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। नदियों के तट में
अगर अच्छा वातावरण बना हुआ है या वहाँ अच्छे प्लांटेशंस वगैरह हैं तो फिर वो भी उस शहर के हवा को साफ करते हैं। तो यमुना का दिल्ली के वातावरण पर तो बहुत बड़ा पॉजिटिव उसका रोल है, पर दुख की बात यह है कि यमुना की आज जो स्थिति है, स्पेशली दिल्ली में और दिल्ली के डाउनस्ट्रीम, उससे उसकी वजह से शहर का और यमुना का जो एक संबंध है वो टूट सा गया है। और क्योंकि वो संबंध टूट सा गया है, इसलिए दिल्ली वासी जो है वो यमुना के महत्व को अच्छे प्रकार से समझ नहीं पा। सर, आज का दिन जो है वो जितना सेलिब्रेशन का है उतना ही रिफ्लेक्शन का भी है, अवलोकन का भी है। तो दिल्ली के लोगों के लिए आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि मौजूदा स्थिति में, मतलब किताबों में और साहित्य में तो गंगा जमनी तहजीब की खूब बात होती है, लेकिन यमुना की हालत क्या है, मौजूदा हालत दिल्ली में जो बहती है, तो क्या वो पहले की तरह कलकल बह रही है या क्या हालत है उनकी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे शब्द से शुरुआत कर रहा हूं इस जवाब के, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में यमुना नाम की कोई चीज ही नहीं। जो आप दिल्ली में यमुना में जो भी पानी देख रहे हैं वो यमुना का अपना पानी, उसमें एक बूंद भी नहीं। जो भी पानी आप इस नदी के कोर्स में आज की डेट में देखते हैं वो 100% इस शहर से निकला हुआ वेस्ट वाटर है। उसमें सीवेज है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें सरफेस रन ऑफ है। तो जब यमुना अपने स्वरूप में आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही दिल्ली के बीच में, तो फिर हम उसके स्वास्थ्य की क्या बात करें? हम तो उसके स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं ना जो कि जो एग्जिस्ट कर रहा हो या जिंदा हो। जो चीज आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या बात। तो हम सबके सामने जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो ये है कि हम कैसे ऐसी स्थिति बनाएं कि हम ये फिर कह सकें कि भाई हाँ, दिल्ली में को अपनी यमुना वापस मिल गई। क्योंकि सिर्फ दिल्ली को यमुना वापस नहीं मिलेगी, पर दिल्ली के नीचे जितने भी शहर हैं, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, आगरा हो, इटावा हो, डाउनस्ट्रीम जितने भी शहर हैं, उन सबको यमुना वापस मिलेगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यमुना वापस कैसे है। जी, आपने ये भी पूछा कि यमुना जी अभियान के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, तो ये एक सिविल सोसाइटी कंसोर्शियम फरवरी 2007 में ये शुरू हुआ था और इसमें शहर के काफी एनजीओस और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं मात्र इसका कन्वीनर हूं, तो लोगों तक यमुना जी अभियान की बात पहुंचाना, यमुना जी अभियान के अंतर्गत यमुना को लेकर रिसर्च करना, एडवोकेसी करना और मीडिया के माध्यम से, जैसे आप इस समय कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से यमुना की बात दूर दूर तक लोगों के बीच पहुंचाना, वो हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है। और हमारा जो गोल है वो ये है कि यमुना नदी अपने नेचुरल स्वरूप में
पूरे के पूरे करीब 1370 किलोमीटर के अपनी लंबाई में वो पुनः नेचुरल स्वरूप में वापस स्थापित हो, इसमें जो बायोडायवर्सिटी होती थी वो वापस आए, इसका जो भी फ्लोरा फौना जैसा भी था वो सब वापस आए, इसका जो फ्लड प्लेन है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि फ्लड प्लेन जिसको हम फ्लड प्लेन का मतलब ही ये होता है कि बाढ़ के दौरान जब नदी में फ्लड आए, क्योंकि हर नदी में फ्लड आते, जब नदी में फ्लड आए मानसून में, तो वो सुरक्षित तरीके से शहर के बीच में से होता हुआ और डाउनस्ट्रीम चला जाए, क्योंकि जब ये पानी आएगा फ्लड के स्वरूप में, वो इसी फ्लड प्लेन में ही वो स्प्रेड होगा, और जब वो स्प्रेड होता है तो फिर वो ग्राउंड वाटर बनता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो यमुना का दिल्ली के पर्यावरण के में एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि वो दिल्ली के ग्राउंड वाटर को हर साल मानसून के दौरान रिचार्ज करता है। तो यमुना तो दिल्ली को हर स्वरूप में कुछ ना कुछ देती ही रहती है, सिर्फ दुख की बात यह है कि दिल्ली जो है वो यमुना को अपना सिर्फ वेस्ट वाटर ही देता है। दिल्ली यमुना के लिए जो उसका एक रोल होना चाहिए, जो दिल्ली वासी जिस तरीके से अपने लाइफ लाइन की देखभाल निगरानी करनी चाहिए, वो एक तरह से वो तो भूल गए हैं, या यमुना की स्थिति खराब हो गई है कि उनको अब उसकी चिंता करने की ऐसी वो रही नहीं। तो इन सब बातों को आज जिसे विश्व पर्यावरण दिवस है, और इसका ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2021 का, ये इस 2020 के दशक का पहला साल है। बिल्कुल। और इस दशक को यूनाइटेड नेशंस ने रेस्टोरिंग अवर इकोसिस्टम्स उस थीम के अंतर्गत पूरे दशक को एक कार्य दिया है। तो अब क्योंकि यमुना एक इकोसिस्टम है, तो क्या हम ऐसा एक वचन ले सकते हैं कि कम से कम इस रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम दशक के दौरान हम यमुना के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का भरसक प्रयास करेंगे और उसको रेस्टोर कर पाएंगे? अभी इस साल का जो थीम है वो ये है, रीइमेजिन, रीक्रिएट एंड रेस्टोर। तो क्या हम दिल्ली में यमुना को रीइमेजिन कर सकते हैं? यमुना कैसी थी, कैसी हो सकती है, कैसी है वो तो हम सब जानते हैं, पर क्या थी और क्या हो सकती है, क्या इस चीज को लेकर हम अपने इमेजिनेशन को एक तरीके से बना सकते हैं, और फिर उसके लिए कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम जो प्रयास करने हैं वो प्रयास कर सकते हैं? और कम से कम ये तो हम मान लें, जैसे कि दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं या बाकी अधिकारी गण हैं, वो सब कहते हैं कि भाई हम अपने कार्यकाल के दौरान दोबारा
हरी भरी नीली यमुना को वापस लाके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके इस उद्देश्य को की हम सराहना करते हैं, पर हम तो आपसे कहते हैं आप अपना कार्यकाल तक ही सीमित मत रहिए, आप 2030 तक ले लीजिए, आपको एक और कार्यकाल मिले, आप 2030 तक ले लीजिए और 2030 तक दिल्ली वासियों जैसी यमुना वाकई होनी चाहिए वैसी यमुना उनको वापस ले आई। तो आज का दिन बहुत उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। नहीं, आप जो बात कह रहे थे एक तरह से वो काफी शॉकिंग थी कि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे कि अब जो अस्तित्व है वो एक नाले का अस्तित्व हो गया है शहर की बाउंड्रीज में यमुना का, और जो कि एक जमाने में वाकई में कलकल बहती थी। और जैसे 26 जुलाई जो मुंबई में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में मैं बतौर पत्रकार उसको कवर कर रहा था, तो उसका जब ऐसे ही अवलोकन हुआ तो पता चला कि मुंबई की जो इकोसिस्टम है उसको संभालने वाली मीठी नदी है वो नाला हो गई है, क्योंकि उसके मुख पे ही हमने रिक्लेमेशन किया था 100 किलोमीटर का रिक्लेमेशन नदी के एस्चुरी जिसे कहते हैं या मुख जिसे कहते हैं उस पे ही हुआ था। तो जमुना जी, जाहिर सी बात है कि जितना ख्याल रखना चाहिए था हुआ नहीं। मैं सिटीजन्स का क्या रोल है इसके बारे में तो आऊंगा ही इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके आंदोलन ने इसमें किस तरह से, मतलब ये पहल जो है या जो हम सबका साझा सपना है कि आज के दिन पे खास करके ये जो हमारा लक्ष्य है कि यमुना को हमें नीला करना है, तो ये आपकी यात्रा कैसे रही, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या क्या प्रयास हुए यमुना जी आंदोलन की तरफ से, उसके बारे में हमारे दर्शकों से बात कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जर्नी करीब 2006-07 से शुरू हुई और शुरू में तो बहुत ही कम लोग थे, हर एक अभियान के साथ होता है, और करीब 20 लोग थे जिन्होंने मिलके यमुना जी अभियान के को शुरुआत की थी 7 फरवरी 2007 से। और उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, एक ध्येय तो हमने बनाया, पर उस ध्येय के लिए सबसे पहले हमको इस नदी का जो इकोसिस्टम है, जो इसका इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी स्थितियां हैं, उसको तो समझने की जरूरत है। तो करीब 6 महीना का टाइम हमने लगाया, पूरे नदी के आसपास साथ साथ चले ये समझने के लिए कि भाई दिक्कतें हैं कहाँ और क्या उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। तो जब ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई तो फिर हमने एक तरह से सरकार के बीच में जाके पेटिशंस डालने शुरू किए, कुछ प्रेजेंटेशंस किए, लोगों से मिले। उस दौरान हम सबसे पहले जो मिले, बड़ा आसान नहीं होता है, बट क्योंकि वो सज्जन इतने अच्छे थे, हम तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब से मिले और उनसे हमने उनको बताया कि साहब हम लोग किस ध्येय में जुटे हैं, और उनसे आशीर्वचन लिए। और फिर हमने जगह जगह जाकर शहर में एक हमने प्रेजेंटेशन करीब 30-40 मिनट का तैयार किया था कि स्थिति क्या है, ये स्थिति ऐसी क्यों बनी और इसका निदान अगर कुछ है तो क्या है। वो प्रेजेंटेशन हमने जगह जगह जाके किए। इसी बीच में दिल्ली में जो खादर क्षेत्र है, जो फ्लड प्लेन है यमुना का, उस पर सरकार के द्वारा ही एक तरह से कुठाराघात होने लगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो एक हमारा जो एडवोकेसी का काम था,
वो दिल्ली में यमुना के फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन के ऊपर था, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, फिर मेट्रो के कुछ स्ट्रक्चर्स। जब ये बनने शुरू हुए तो हमने फिर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिस किसी के पास हम जा सकते थे हम गए, जिनके पास जाना संभव नहीं था उनको हमने पत्र लिखे कि भाई ये इन कारणों से ये जो आपके प्लान्स हैं वो सही नहीं है, आपके इन प्लान्स का अल्टरनेटिव भी है, ये अल्टरनेटिव है और ये अल्टरनेटिव हम नहीं दे रहे हैं, आपके शहर के जाने माने आर्किटेक्ट्स, जाने माने जो सिटी प्लानर्स हैं वो ये दे रहे हैं, हम तो सिर्फ आप तक उसको पहुंचा रहे हैं जी। तो इससे हमने प्रयास किए, पर उन प्रयासों के बावजूद भी जब हमने ये देखा कि भाई सरकार तो इस बात को समझने में के लिए तैयार है नहीं कि भाई ये फ्लड प्लेन क्यों बचाना चाहिए, तो फिर हमको हार कर हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट में एक केस हुआ, वो केस करीब 4 महीने तक चला। उस केस की वजह से एक तो फ्लड प्लेन की महत्वता क्या है वो मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में शहर के लोगों को उसकी जानकारी मिली, और हाई कोर्ट में काफी जद्दोजहद के बाद हमको एक ऐसा जजमेंट मिला जिससे कि ये बात निकल के आई कि भाई जब तक जो एडवर्स इम्पैक्ट्स होंगे उनका ढंग से स्टडीज ना हो तब तक ये काम सही नहीं प्रतीत होता। इन सब कामों के लिए हमने बहुत आरटीआई को यूज किया, लोगों को जोड़ने के लिए इंटरनेट, उसमें नया नया ईमेल, ग्रुप ईमेल, वो सब नए नए शुरू हुए थे। ये 2007-08 की बात है, तब तो ये अपना इतने ट्विटर और ये सब सोशल मीडिया के वो नहीं आए थे, प्रॉप्स नहीं मौजूद, बाद में आए। पर उस समय हमने इंटरनेट को काफी यूज किया, आरटीआई को काफी यूज किया और अपनी बात को रखने की कोशिश की। तो हाईकोर्ट में तो हमको एक तरह से सफलता मिलती दिखी, पर जब ऐसी स्थिति लगी तो फिर सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में फिर 2009 में पूरे इस एफर्ट को जो है उन्होंने कहा कि भाई ये चीज नहीं रुक सकती, अब ये तो बनेगा ही। पर चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बन गया, अपने सही गलत जो कुछ भी हुआ हो गया, पर जो सरकार की जो मंशा थी कि गेम्स विलेज बनाने के बाद पूरे फ्लड प्लेन में और फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस प्लान्ड थे वो सब कंस्ट्रक्शंस रुक गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मॉरेटोरियम निकाला, उन्होंने कहा कि भाई अब ये गेम्स विलेज को तो हम रोक नहीं पाएंगे, पर इसके आगे हम फिर कोई भी इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनने देंगे। तो चाहे एक हमने एक लड़ाई जरूर हारी, एक बैटल, वी लॉस्ट ए बैटल, बट इन ए सेंस वी वन द वॉर, क्योंकि फिर उसके बाद कोई मेजर कंस्ट्रक्शन इस फ्लड प्लेन में नहीं हुआ। और जो हम बात कह रहे थे उस बात को लोगों ने, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से सितंबर 2010 में यमुना में बाढ़ आई और उस बाढ़ की वजह से ऐसी स्थितियां बन गई कि गेम्स होंगे भी कि नहीं होंगे, ऐसी स्थिति बन गई थी क्योंकि गेम्स विलेज पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, उसकी साफ सफाई ढंग से नहीं, उसके बेसमेंट में पानी घुस गया था, तो स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। तो ये तो एक बात बनी, पर इसके साथ साथ फिर करीब 2 साल तक और बहुत सारे लोगों के साथ मिलके
जिसमें राजेंद्र भाई, राजेंद्र सिंह जी एक तरह से लीड, उसके उसके नायक थे। 2 साल तक एक यमुना सत्याग्रह चला, जिसके अंतर्गत यमुना में रहने वाले किसान लोग और बाकी शहर के कुछ लोग वो सत्याग्रह में यमुना के खादर में हम लोग 2 साल तक फिट इन किया, इसमें सत्याग्रह किया कि भाई जो जो भी चीज है, ये जो भी काम है वो उचित नहीं है। और उसके साथ साथ फिर हमने अपने को सिर्फ यम दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखा, फिर हम पूरी यमुना यमुनोत्री से लेके अपने इलाहाबाद तक उसके साथ साथ ट्रेवल भी किया, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ लोगों से यमुना के बारे में सीखा। और फिर एक एक पीपल्स रिवर हेल्थ इंडेक्स वो डिवाइस किया, और उस इंडेक्स के बेसिस पर यमुना की हेल्थ, यमुना का हेल्थ कैसा है जगह जगह, उसको फिर उसका एस्टिमेशन वगैरह निकाला। और जो एडवोकेसी का काम था वो हमारा यमुना के लिए चलता रहा। बिल्कुल, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी तरीके आपके पास थे, फिर वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो न्यायालय के पास चीजें लेने की बात हो, वो सारे तरीके आपने इस्तेमाल किए, एडवोकेसी के सारे तरीके इस्तेमाल किए। और हम कह सकते हैं कि अगर यमुना जी के ऊपर आपने एक बहुत अच्छा हिंदी शब्द इस्तेमाल किया, कुठराघात, तो कुठराघात जो भविष्य में होने वाले थे तो वो तो बच गए, लेकिन हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आगे ऐसे कुठराघात उस पे ना हो। और कई सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं हमारे इस लाइव को जो देख रहे हैं, रमेश मुमुक्षु हैं, बाकी पर्यावरणविद भी हैं जो जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नजफगढ़ नाला जो है उसकी सफाई को लेकर जो भ्रम की स्थिति है या सफाई को लेकर जो सवाल है, तो उनका भी एक गलत योगदान जो है यमुना जी को खराब करने में रहा है, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सही आपने प्रश्न किया है, इसके बारे में मैं बताऊं कि 2015 में, एक्चुअली 2012 में, 2011 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन गया था, और 2012 में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने गए ये कहते हुए कि भाई यमुना की स्थिति, अब क्योंकि आप ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में आए हैं तो यमुना एक कॉज के रूप में आप जो हैं इस बात को लें, और 2012 से लेकर 2015 तक उसकी हियरिंग चली, और 2015 में उन्होंने एक जजमेंट दिया, और वो जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें जिसमें कि उस जजमेंट को अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो, क्योंकि वो जजमेंट सिर्फ यमुना, दिल्ली की यमुना तक ही सीमित नहीं था, वो दिल्ली में जितने नाले हैं उनके उनके बारे में भी उस जजमेंट में डायरेक्शंस हैं, दिल्ली का जो फ्लड प्लेन है उसके प्रोटेक्शन के बारे में डायरेक्शंस हैं, दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में डायरेक्शंस हैं, यमुना में जो एनवायरमेंटल चाहिए उसके बारे में डायरेक्शंस हैं। उन्होंने एक प्रिंसिपल कमिटी बनाई है जो मॉनिटर करे इन सब कामों को। तो और अच्छी बात क्या है कि ऑल्दो ये जजमेंट 2015 में आया, 6 साल हो गए हैं, पर उसके बावजूद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2021 में ही उस प्रिंसिपल कमिटी की एक बैठक हुई जिसमें कि जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो DDA हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, PWD हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो, नेशनल ये NMCG हो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो इन सब ने, ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। और यमुना को कैसे वापस लाया जाए, जिसमें कि नालों को ठीक करना, जिसमें कि पर्यावरणीय प्रवाह को वापस लाना, जिसमें कि ये इंश्योर करना कि भाई
जो फ्लड प्लेन है दिल्ली में, उसका रेस्टोरेशन इकोलॉजिकली तरीके से हो, ना कि जैसे आजकल होता है कि भाई हमने कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, और फिर एक तरह से जैसे और भी कई रिवर फ्रंट की बात होती है, वहाँ कुछ रिवर फ्रंट जो हैं वो बिल्कुल कॉन्क्रीटाइजेशन हो गए हैं, तो कम से कम दिल्ली में तो वो कॉन्क्रीटाइजेशन किसी भी हालत में नहीं होगा, ये इस जजमेंट की वजह से हुआ है। तो आज एक हमारे पास एक रोड मैप है, बहुत ही साफ क्लियर रोड मैप है। अब सिर्फ कमी क्या है, कमी यह है कि उस रोड मैप को कैसे हम फॉलो करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। दिल्ली में जो प्रॉब्लम है, जिसको कि हमने एनजीटी के सामने उठाया भी था कि भाई यहाँ टू मैनी कुक्स, दिल्ली में देर आर टू मैनी कुक्स, और उसकी वजह से ब्रॉथ गेट्स स्पॉइल्ड। बिल्कुल, इतनी सारी एजेंसीज हैं, उनका आपस में समन्वय हो नहीं पाता। अब अभी किसी एक नाले को ले लीजिए, डिसिल्टेशन का काम होता है हर मानसून से पहले। अब एक नाले के चार एजेंसीज हैं रिस्पॉन्सिबल। एक एजेंसी कहती है भाई मैंने तो काम कर दिया, इसने नहीं किया। वो कहती नहीं मैंने कर दिया, वो उसने नहीं किया। तो इस तरह से जो ये फिंगर पॉइंटिंग चल रही है, शिफ्टिंग ब्लेम, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके बारे में एनजीटी को जब हमने बताया था तो उन्होंने इस बात को समझा, माना, और फिर ये इस एक सिंगल कमिटी को बनाया। मनोज जी, दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, तो जी वो भी थोड़ा सा उनके और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। रमेश कुमार मुमुक्षु कह रहे हैं कि साहिबी नदी थी जो कि किसी जमाने में यमुना की ट्रिब्यूटरी थी और जिसको नजफगढ़ नाले में तब्दील किया गया। सुगम हमारी दर्शक हैं, वो कह रही हैं कि क्या नजफगढ़ नाले का पानी, इज द नजफगढ़ ड्रेन ट्रीटेड बिफोर इट मर्जेस विद द रिवर, क्या नजफगढ़ के नाले को के पानी को ट्रीट किया जाता है? आपकी आवाज थोड़ा सा, नजफगढ़ नाले, नजफगढ़ नाले के पानी को क्या ट्रीट किया जाता है नदी में आने के पहले? तो ये एक सवाल पूछा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अगर अमली जामा ना पहनाया जाए तो क्या करें, ये एक सवाल पूछ रहे हैं संदीप कुमार यादव। ओके, ना देखिए, जहां तक नजफगढ़ नाला जो पहले साहिबी नदी थी, आपने सही कहा, आज भी स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में एंट्री से पहले अगर आप जाके देखें नजफगढ़ जगह जहां से उसका नाम आया है, नजफगढ़ जो कस्बा है, नजफगढ़ कस्बे के पास में अगर जाके आप नजफगढ़ नाले को देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये वही नाला। आज भी नजफगढ़ नाला नजफगढ़ के ऊपर अच्छी खासी सुंदर स्ट्रीम के रूप में है। वो जैसे ही दिल्ली में एंटर करता है, वहां फिर दिल्ली का गंदा पानी उसमें गिरना शुरू हो जाता है, और जब तक फिर वो करीब 20, 22, 30 किलोमीटर चलने के बाद नदी तक पहुंचता है, तो फिर वो एक गंदा नाला है। एक इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट 2006-07 में चालू हुआ था, जो आज अब जाके 2020 में कंप्लीट हुआ है। उसकी वजह से जितने भी नाले नजफगढ़ ड्रेन में गिर रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। उनको इंटरसेप्ट करके जो भी नियरेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तक ले जाया जाएगा और वहां उसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बन चुका है, पर वो अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, क्योंकि दो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनको ये फीड करेगा उनका अपग्रेडेशन चल रहा है और वो अपग्रेडेशन अभी बाकी है। तो हमको जैसा बताया गया तो ये कि 2022 तक वो अपग्रेडेशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप नजफगढ़ नाले में
जो आज की स्थिति है वो ऐसी स्थिति नहीं रहे, और जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब वो पानी नदी में गिरता है तो नदी की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। ऐसी भी बातें हो रही है कि मानेसर से भी पानी आ रहा है, मानेसर से भी गंदा पानी आ रहा है। आपने कहा कि काफी काफी चीजें सुधरी हैं, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली उस तरह से दूर है जहां नजफगढ़ नाले की बात आती है। और लेकिन एक एक बात जरूर है कि जो मैं मेरा अगला सवाल भी था कि आपने कहा कि नजफगढ़ नाला आते आते खराब हो जाता है, तो क्या और अभी हस्तक्षेप प्रशासन का भी हुआ है? और वो नजफगढ़ नाला जब दिल्ली में घुसता है तो उसकी सफाई 2022 में जब वो योजना कंप्लीट होती है, अमली जामा पहनाया जाता है, तब ठीक हो जाएगा। लेकिन आम बाशिंदे, दिल्ली के नागरिक, और अगर हम दिल्ली कहें तो दिल्ली NCR की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर हरियाणा का यहाँ पर रोल है, यूपी का रोल है, तो ये योजना के स्तर पे और जो शहरी बाशिंदे हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं यमुना जी की सफाई में? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को कहूंगा कि प्लीज डोंट राइट ऑफ योर लाइफलाइन। आज की जो स्थिति है, जब हम 2 साल तक सत्याग्रह में बैठे थे और हम मीडिया के माध्यम से, जो भी वहां मिलने आते थे उनके माध्यम से इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते थे कि भाई आप नदी के नजदीक तो आओ, नदी को समझने की कोशिश तो करो। और तब हमको लगता था कि ये शहर क्यों क्या है, और फिर कई बार गुस्से में हमको हमने इस तरह की बातें भी कही कि ये शहर क्या मुर्दों का शहर है, जहाँ की लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारी लाइफलाइन नदी की हालत क्या हो गई और उसमें हमारा अपना क्या योगदान है। क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, और सॉल्यूशंस नहीं आएंगे तो फिर आप सिर्फ अदर देन टू क्रिटिसाइज कि भाई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सरकार को एक तरह से हम दोषारोपण कर लें और फिर अपने अपने कॉन्शियंस को क्लियर कर लें, उससे आपका कॉन्शियंस क्लियर नहीं होगा। इफ यू आर ए डेलीआइट देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां क्या है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्ट एज ए एनलाइटन्ड सिटीजन ऑफ द सिटी एंड यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। जब हमने शुरू किया तो हमने प्रश्न पूछने शुरू किए, सरकार में लोगों को बहुत परेशानी हुई कि ये कौन आ गए, कौन है ये लोग, और हमारे प्रश्न आसान प्रश्न नहीं होते थे, तो हमारी लैंग्वेज भी आसान नहीं थी, मतलब लैंग्वेज वॉज वेरी सिविल बट इट वॉज वेरी हार्श इन द सेंस कि क्योंकि जो प्रश्न हम रेस करते थे वो उन्हीं के फाइलों से निकाले हुए होते थे, RTI के माध्यम से उनकी फाइलों को एक्सेस किया हमने, और उसमें हमने पाया कि भाई आपने खुद ये कहा है कि इस समय तक आप ये काम को पूर्ण कर लेंगे, वो काम पूर्ण नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ ये बताया जाए, और उसके लिए कौन जिम्मेवार था, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। तो हमारा तो कहना यह है दिल्ली वासियों, आप जागरूक बनिए, आप समस्या को समझिए, और आप जागरूकता के साथ में सिविल मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को सामने रखिए, प्रश्न पूछिए और प्रश्नों के जवाब मांगिए, और जब तक आप सर ऐसी लड़ाई और उनका क्रियान्वयन जो है ना बैठे। जी अक्सर ऐसी लड़ाई और उनका क्रियान्वयन की जब बात आती है प्रशासन की तरफ से तो ये श्रेयवाद की लड़ाई में सिमट जाता है, श्रेय कौन लेगा इसका, लेकिन भले ही कोई श्रेय ले, अच्छी चीज का श्रेय लेना अच्छा होता है। हम जब टूरिज्म की बात करते हैं या दिल्ली को जागतिक नक्शे पर रखने की बात करते हैं, फिर वो फॉरेन टूरिस्ट हो या अपने ही देश के लोग क्यों ना हो, अगर दिल्ली जो है वो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि नदी के इर्द गिर्द बसी है, तो फिर भविष्य की दिल्ली
दिल्ली की बात जब हम कहते हैं या दिल्ली की कहानी सुनाते हैं, तो फिर वो हुमायूं का मकबरा हो या दिल्ली का कुतुब मीनार हो, और उसके अलावा यमुना जी की एक अपनी पहचान, वो भी हम अपने आने वाले पीढ़ियों को दिखाने के लिए एक नई यमुना जी तैयार करें, ये सपना भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने सर देखा कि पिछले एक साल में जब लॉकडाउन जारी था, तब इंसानी हस्तक्षेप दूर होते ही पंछी वापस आने लगे, दूर दराज के पहाड़ दिखने लगे, और पर्यावरण का अपना एक तरीका होता है दोबारा अपने को प्रस्थापित करने का। तो एक तरह से पर्यावरण ने हमें सिखाया कि इंसानी हस्तक्षेप जो है वो खराब है, और वो क्षण भर दूर होते ही सब कुछ ठीक दोबारा होने लगता है। तो सीख को आगे लेते हुए जब चीजें दोबारा ओपन अप हो जाएगी, तो हमें किस तरह से इस हस्तक्षेप को सकारात्मक तरीके में ढालना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने जो ये एग्जांपल लिया लॉकडाउन के टाइम का, देखिए हमारे लिए तो लॉकडाउन के समय में अप्रैल 2020 के समय में जो यमुना का रिजुविनेशन हुआ, हमारे लिए तो वो ऐसा एक आश्चर्यजनक एक चीज थी। हमको नहीं लगता था कि हमारी अपनी लाइफ टाइम में हम कभी भी दिल्ली में यमुना के को ऐसा देख पाएंगे, पर वो ऊपर वाले ने ही हमको दिखा दिया कि यमुना दिल्ली में कैसी हो सकती है। और उसका कारण, उसने एक बड़ा अच्छा लेसन दिया, क्योंकि उस पीरियड में जब यमुना का रिजुविनेशन हुआ, तो हमने तत्काल लिखा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा, एक यमुना मॉनिटरिंग कमिटी एनजीटी ने बनाई उसको लिखा, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी को लिखा कि भाई आप इमीडिएटली इस चीज को रिसर्च करिए, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करिए कि ये कैसे हुआ, ये क्या क्या जादू क्या हुआ। तो तब मालूम पड़ा कि कोई जादू नहीं, सिर्फ जितनी जितना इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट था जो यमुना में गिर रहा था वो जीरो हो गया। तो उससे एक बहुत बड़ा लेसन ये मिला कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चाहे वो मात्रा में कम हो, पर उसका जो इम्पैक्ट होता है किसी भी नदी सिस्टम में वो बहुत बड़ा होता है। दूसरा जो क्या हुआ कि एंड मार्च 2020 में और अर्ली अप्रैल 2020 में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ों में बारिश हुई, और उस पहाड़ों में बारिश होने के कारण यमुना में अपना फ्लो आ गया, और क्योंकि उस समय वाटर का रिक्वायरमेंट, वाटर के डिमांड कम हो गई थी क्योंकि सब एक्टिविटी रुक गई थी लॉकडाउन की वजह से, तो पूरा का पूरा पानी यमुना में छोड़ दिया गया और यमुना में अपना पानी वापस आ गया, फ्लो आ गया। तो दो चीजें बहुत बड़ी लेसन अप्रैल 2020 से हमें मिला, सबको मिला, कि अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जीरो हो जाए और यमुना में एनवायरमेंटल फ्लो हो जाए, तो यमुना की स्थिति को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ओवरनाइट वो ठीक हो सकता है। इस चीज को जब एस्टेब्लिश हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया, तो अब ये चीज हो गई कि भाई कुछ भी कर लें, हमको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और सीवेज को यमुना से दूर रखना ही पड़ेगा। और अब जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो इस चीज को लेके हो रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत अच्छी चीज इस समय हो रही है, जो कि क्योंकि अभी वो क्रियान्वयन की स्थिति में है इसलिए वो दिख नहीं रही है, अब आज आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं नहीं जानता उनमें से कितने लोग नॉर्थ यमुना, नॉर्थ दिल्ली में जाके यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क उन्होंने देखा है। अगर आपने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो प्रोफेसर बाबू और उनकी टीम जिसमें फैयाज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो करीब 150 एकड़ में जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप किया है, फ्लड प्लेन, एक्चुअली नेचुरल फ्लड प्लेन क्या होना चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है,
अभी तक, तो कृपया वहां जाके देखिए और ये समझ लीजिए जो आज यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो आने वाले 10-15 साल में आपका पूरा का पूरा यमुना खादर वसा बन बनने की स्थिति में आ जाएगा। जो साउथ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क डीएनडी के साउथ में ऑलरेडी काम चालू हो गया है, डीडीए का भी जो लैंडस्केप डिवीजन है उनके भी अपने कुछ एरियाज उन्होंने लिए हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दी। तो देखिए आने वाले 5 साल में आप दिल्ली का जो यमुना खादर है उसमें आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। उसके लिए हम एक ऐसे इवेंट को जिसके लिए खिलाफ हमने फिर आवाज उठाई थी जो 2016 में जो वो हुआ आर्ट ऑफ लिविंग का जो इंसिडेंट हुआ यमुना खादर में जो जिसको लेके एनजीटी में काफी गर्मा गर्मी हुई, उसकी वजह से कम इतना जरूर हो गया कि डीडीए ने ये डीडीए को एक वो मिल गया कि भाई इस चीज को हम आगे नहीं कर सकते ना परमिट कर सकते, और डीडीए बाकी सब लोगों के साथ में मिलके अब यमुना को रेस्टोरेशन में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में लग गया है। हमको पूरी आशा है कि आने वाले 5 साल में दिल्ली वासी दिल्ली के खादर में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, अ वेलकम चेंज, एक वेलकम चेंज देखेंगे। और बिल्कुल आज के विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम हमारे दर्शकों को भी ये आग्रह करेंगे कि वो भी जाएं और किस तरह से बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है उसका जमीन पे जायजा लें, और हमें सबको एक उत्सव की तरह इसको देखना चाहिए। जब बात पर्यावरण के रखरखाव की आती है और उसके उसको बढ़ाने की आती है, और आज हम नदी की बात कर रहे थे, आज यमुना नदी जो कि हमने सिर्फ कथाओं में और हमारे भाषा में तहजीब में लिखावट में साहित्य में सुनी थी, लेकिन उसकी जमीनी हालत इस कदर खराब हुई थी और पिछला एक साल जो है वो हम सबके लिए रिफ्लेक्शन का साल रहा है। और आपने जैसे कहा कि संभव है, तो अगर एक निचोड़ मैं इस चर्चा का निकालूं तो यही है कि संभव है और हमें इसका प्रयास करना चाहिए। और यही कहा जाता है कि वादे वादे जाए थे तत्व बोधा, तो इस विवाद में वाद विवाद में के बावजूद भी आपने कहा कि कुछ बुनियादी पुख्ता चीजें हुई हैं, जैसे नजफगढ़ का आपने उदाहरण लिया कि वो किस तरह से सुधरने की तरफ कूच कर रहा है, और आपने कहा कि किस तरह से आगे कोई निर्माण ना हो इसके बारे में कुछ न्यायालय के आदेश भी है। तो मैं आपके अभियान को और आपको बधाई देना चाहता हूं और इस मौके पर और ताकत मिले और नागरिक आपसे जुड़ जाए यही कहना चाहता हूं। एक 20-30 सेकंड का जैसे कहते हैं आखिरी मैसेज दर्शकों के लिए क्या होगा यमुना जी के सफाई को लेकर, ये आपसे सुनेंगे और फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम तो ये कहेंगे देखिए अगर दिल्ली को अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, अगर दिल्ली वासी को एक वाकई वर्ल्ड क्लास सिटी होना है, अगर इफ यू वांट टू बी प्राउड ऑफ योर सिटी, इफ यू वांट टू बी अ प्राउड दिल्लीआइट, देन बिना यमुना के नहीं हो सकता। यू हैव टू make all the efforts to rejuvenate, restore your lifeline. जिसको हम lifeline कह रहे हैं, उसको अगर lifeline मर जाएगी तो दिल्ली शहर मर जाए, और अगर दिल्ली शहर मर जाएगा तो फिर हम सब यहाँ नहीं रह सकते, हम सब लोगों को पलायन करना पड़ेगा। आज तो सख्त अल्फाज अगर इस्तेमाल करूं तो lifeline को मारने का मतलब है कि अपनी ही नस काट देना। Exactly. वही है, ये तो एक एरोटा है दिल्ली का, और अगर आप एरोटा को काट दोगे खत्म, ऑल इज गॉन, वी कांट अफोर्ड इट। जी थैंक यू,
आप हमारे साथ जुड़ गए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किरदार अदा किया। इसके लिए सिटी स्पाइडी के दर्शकों की तरफ से और हम सब के टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आशा है कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेट अस बी होपफुल। डेफिनेटली।